मैं सच बता रहा हूँ, कंगना रनौत ने षड्यंत्र कर नवाजुद्दीन जैसे टैलेंटेड एक्टर से ऐसी फिल्म करवाई जो ना 3 में फिट बैठती है ना 5 में। अरे मतलब गुड फॉर नथिंग। लेकिन फिर नवाज भाई दूध पीते बच्चे तो है नहीं कि उन्हें स्क्रिप्ट चुनने की तमीज़ ना हो। बिल्कुल होगी, लेकिन लगता है रोमांस की भूख में अपना सख्त लौंडा पिघल गया है। चर्चा करेंगे टीकू वेड्स शेरू। देखो, फिल्म की कर्ता धर्ता कंगना रनौत है, जिनका पैसा इस फिल्म में लगा हुआ है। तो फिल्म खराब हो या अच्छी हो, उसका ठीकरा उन्हीं के सर फोड़ा जाना चाहिए। क्योंकि अब आप ये कहो कि नवाजुद्दीन ने एक्टिंग अच्छी नहीं की तो ये बात हजम नहीं होगी। वो तो एक चलते फिरते टैलेंट फैक्ट्री है, बट स्क्रिप्ट, डायरेक्टर, डायलॉग राइटर और प्रोड्यूसर सब मिलकर ही एक ऐसी बेस्वाद खिचड़ी पकाने पर तुले हों जिसमें कोई टेस्ट ना हो, तो फिर खाली हल्दी के नाम पर नवाजुद्दीन को खिचड़ी का हिस्सा बनाकर उसे टेस्टी बनाना असंभव है। स्क्रिप्ट से लेकर स्क्रीन प्ले और डायलॉग तक सबने इतना निराश किया है कि अब छोटे बजट की ब्लैक कॉमेडी टाइप्स फिल्मों से विश्वास ही उठ गया है। बेहतर है बड़े बजट की ब्रह्मास्त्र से लेकर आदि पुरुष जैसी ही 4 रुपए वाली फिल्में देख लें, क्योंकि थिएटर में देखने जाएंगे तो दोनों फिल्मों का टिकट तो सेम ही चुकाना पड़ता है। तो अगर क्रैप फिल्म ही देखनी है तो क्यों ना बड़े बजट की बकवास मूवी देखें। तो भैया, टीकू और शेरू की प्रेम कहानी का पहला मुख्य पात्र है शेरू, जो फिल्म में एक जूनियर आर्टिस्ट है। 44 फिल्में कर चुका है बंदा, लेकिन सपोर्टिंग एक्टर तक नहीं बन पाया। फिर भी भाई का एटीट्यूड हमेशा नवाबों सा रहा है। ओके, टेक्निकली बात करते हैं, फिल्म में कुछ बहुत छोटी बड़ी गलतियों को नज़रअंदाज कर भी दें तो भी मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये फिल्म आमिर खान की अकेले हम अकेले तुम वाले जोन में चली जाए तो मज़ा आ जाएगा। आई वॉज श्योर कि नवाजुद्दीन क्लाइमेक्स के इमोशनल सीन में जान डाल सकते हैं, लेकिन पहाड़ को खोद के चूहिया तो क्या चीटी भी नहीं मिली। इस जूनियर आर्टिस्ट शेरू की अचानक से शादी तय हो जाती है, और जाने किस बेसिस पर अच्छे परिवार की इतने कम उम्र की लड़की को नवाज के साथ ब्याहने पर राजी हो जाते हैं। बाकी नवाजुद्दीन फिल्मों में एक्स्ट्रास करने के अलावा चमड़ी व्यापार में भी सक्रिय थे। तो स्क्रीन प्ले की पहली कमी यही दिखती है कि लड़की के घर वालों का लड़के से शादी कराने का रीजन क्या था। ऊपर से उसे 10 लाख रुपए दहेज में भी दिया गया, ये सर के ऊपर से निकल जाता है। बट स्टिल फिल्म अगले पड़ाव में आती है तो लगता है कि हजारों बुराइयों के बावजूद जब नवाज ने लड़की को अपना लिया और फिर उसे जेल हो गई, तो लड़की एक्ट्रेस बन जाएगी, लड़का गरीब रह जाएगा, दोनों के बीच बच्चे की कस्टडी को लेकर इमोशनल सीन पनपेगा, लेकिन पनपा बाबा जी का ठुल्लू। मेरी सारी सोच पर फिल्म ने पानी फेर दिया। फिल्म में गैंगस्टर्स में गैंगस्टर वाली फील नहीं आती, एक्टर में एक्टर वाली फील नहीं आती, मंत्री जी को लौंडे पसंद है, आई मीन कौन किससे क्या चाह रहा है ये पता ही नहीं चल पाता। बेहद खराब स्क्रीन प्ले है जो कहीं पर भी कन्विंस नहीं कर पाती कि ये हो रहा है तो ठीक हो रहा है। कहानी हर मोड़ पर बद से बदतर होती चली जाती है। फिल्म में कंगना ने अपना कैमियो दिया है, इवन वो भी उसमें ओवर एक्टिंग करती फील होती है। मतलब फिल्म इतनी बुरी लगती है कि इसमें अमिताभ बच्चन से लेकर इरफान खान जैसे एक्टर्स भी होते तो वो भी बुरे ही लगते, और यहाँ तो नवाजुद्दीन सिद्दीकी थे, वो तक फिल्म को संभाल नहीं पाए। फिल्म में नई एक्ट्रेस अवनीत कौर देखने को मिलती है, जो मैक्सिमम टाइम ओवर एक्टिंग करती फील होती है। कंगना जी ने नेपो किड और आउटसाइडर वाले फंडे को सपोर्ट करने के चक्कर में 2 आउटसाइडर ले लिए और फिल्म का बंटाधार करवा दिया। इवन एक जगह अवनीत कौर बोलती भी है कि कंगना जी हमें फिल्म में ले लो, हम भी तो आउटसाइडर हैं। डियर कंगना जी, आप खुद को लेके फिल्म बनाती हैं तो वो मणिकर्णिका, धाकड़ और इमरजेंसी जैसी बड़े बजट की फिल्में होती हैं, और जब दूसरों को लेकर फिल्में बनाती हैं तो उसका स्तर इतना कैसे गिर सकता है। ये प्रोडक्शन हाउस आपका है, आप फिल्म में एक्ट करो या ना करो, एटलीस्ट फिल्में ढंग की बनाओ। नवाजुद्दीन सर, आप एक बेहतरीन एक्टर हैं और आपकी एक्टिंग पर किसी को शक नहीं है, और एज ऑल टैलेंटेड एक्टर सेज कि हमें अलग अलग किरदार करने हैं, तो ठीक है, आपने रोमांस में कई बार हाथ आजमा लिया, आप कुछ और करिए। आई एम श्योर आप किसी भी तरह का किरदार करेंगे, आप उसमें जान डाल सकते हैं। ऐसा होता है कि कई बार किसी फिल्म में गोटियां फिट नहीं बैठती तो उसे छोड़ दो। आपकी आतिया शेट्टी के साथ वाली रोमांटिक फिल्म नहीं चल पाई, ये भी नहीं चल पाएगी, कुछ एक और रोमांटिक फिल्म में आप ला रहे हो, तो उन्हें छोड़ आप विलन या लीड हीरो पर बेस्ड रोमांस से हटकर फिल्मों में काम कीजिए। अवनीत जी, आपको समय से पहले मौका मिल गया है, आई फील अभी आपको और सीखने की ज़रूरत है। आई एम नॉट श्योर कंगना जी ने क्या समझ के आपको फिल्म के लिए साइन किया है। फिल्म में 1-2 रोमांटिक गाने अच्छे हैं, जिनमें एक रैप सॉन्ग भी ठीक है। ऐसा लगता है मानो प्रोड्यूसर्स OTT पर आने वाली फिल्म के लिए पहले अलग से गालियां लिखना शुरू करते हैं, उसके बाद कहानी लिखते हैं। ऐसा ये फिल्म देखकर भी फील हुआ। डायरेक्शन बहुत खराब है, जब स्क्रिप्ट ही लचर हो तो आगे की सारी चीज़ें खराब हो ही जाती है। मेरी तरफ से फिल्म को 1 स्टार। हैव ए नाइस डे।